वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं कन्नू फिर से आ गई हूँ। हाँ, थोड़ा सा मैस हो रहा है, मेरा घर है, थोड़ा मैसी हो रहा है बिकॉज अभी रात के बज रहे होंगे, 11 से 12 बज रहे हैं और अभी हमारा प्लान है, हम जा रहे हैं हरिद्वार घूमने के लिए। तो अचानक से बना है, रिसेंटली मौसम बहुत अच्छा था, वेदर बहुत अच्छा था आज का और बहुत ज्यादा ही हो रही थी बारिश, तो फिर हम लोगों ने सडनली प्लान बना लिया कि चलो भाई चलते हैं, घूम के आते हैं। और वैसे भी सावन लगने वाला है तो फिर नहान भी होता है, तो हम हरिद्वार जा रहे हैं इसलिए। तो आज हम जाएंगे हरिद्वार, अब हम निकल रहे हैं, तो फटाफट मैं जाती हूँ और फिर आप पूरा व्लॉग एंजॉय करना, एंड तक देखना। आई नो वीडियोस नहीं आ रही हैं जस्ट बिकॉज मैंने बताया था मेरी तबीयत खराब चल रही है, मुझे डॉग ने काट लिया था तो इंजेक्शन चल रहे हैं, तो ऐसा है मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पा रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट, बट व्लॉगिंग करके मैंने बोला था कि मैं व्लॉगिंग करके ट्राई करूंगी कि जितना भी मेरी लाइफ में हो रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, तो उसको शेयर करूँ अपने फॉलोअर्स के साथ, सब्सक्राइबर्स के साथ। तो चलिए चलते हैं। जस्ट लुक एट मी, जब से मेरे को इंजेक्शन लगना चालू हुआ है आई थिंक आई एम गेनिंग सम वेट, मेरा 2-3 किलो तो बढ़ ही गया होगा, बट स्टिल नो वरी, हाँ मैनेज कर लूँगी मैं, कोई बात नहीं। अभी जब से मेरे को इंजेक्शन लग रहा है ना, बहुत वीकनेस हो रही है, तो आई थिंक मेरे को फूड की क्रीविंग बहुत ज़्यादा हो रही है कि मैं खाना खाऊँ, और मेरे को यहाँ काटा था और यहाँ काटा था और पेट पे भी काटा था, सो वो मैं आपको दिखा नहीं सकती, बट ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, जो होना तो हो चुका है, चलो चलते हैं। तो अभी हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे क्योंकि हमें पेट्रोल भराना है, इनफ पेट्रोल होना चाहिए, बीच में पेट्रोल पंप पड़ता नहीं है। अभी हम मेरठ में हैं तो अभी पेट्रोल भरवा रहे हैं और अभी रात के 11:30-12 बज रहे हैं, रात के 11:30-12 बज रहे हैं। सो ये मैंने पहना हुआ है, ऑफकोर्स मैं ज़्यादातर ना कहीं भी जाती हूँ रात को घूमने फिरने या कभी भी कुछ हुक्का हुक्का पीने खाने पीने, तो मैं यूजुअली कुछ इस टाइप की ड्रेसेस ही कैरी करती हूँ बिकॉज इट्स सो कम्फर्टेबल फॉर मी, दैट्स वाई मैं इनको भी वेयर करती हूँ। तो पेट्रोल भरवाते फिर निकलते हैं। मेरा फेस पहले से बेटर हो गया है, बीच में मेरे फेस पे बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो गए थे, पता नहीं सडनली प्लान बन गया, मैं तो मतलब मेरा तो कोई प्लान ही नहीं था, मैं ऐसे ही आ गई उठ के, चल छुट्टी, मैंने नेल पेंट लगाई है, छोटी बच्ची हो क्या, बहुत टाइम बाद लगाई है। मैं तो सोची, मैं तो कार में सोती हुई जाऊंगी, वैसे भी रात को जाना है हमें, मैं तो क्या ही करूंगी ना, मुझे गाड़ी चलानी ना कुछ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आई होप यू आप मेरी व्लॉग को एंजॉय करें, अच्छे से तो आता नहीं मुझे बनाना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग फॉर जस्ट फॉर यू। और अब हम थोड़ी देर के लिए रुके हैं, अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे होंगे, 2 बज रहे हैं और अभी यहाँ से हरिद्वार कितना 60-70 किलोमीटर दूर है और अभी हम ढाबे पे रुके हैं चाय पीने के लिए। आ रहा हूँ मैं भी, चलो ठीक है मैं भी जा रहा हूँ, चलो थोड़ा जाते हैं, समझे समझे खा जाए। मतलब यार मैं आपको कैसे बताऊँ, मैं इस एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, अभी क्या हुआ रिसेंटली आते टाइम एक गाड़ी थी वो इतनी तेज चला रही थी, पता नहीं क्या उसकी पूरी गाड़ी पलट गई और एक गाय थी वो बुरी तरह से जख्मी हो गई, मतलब मर गई थी ऑलरेडी, पहले ही किसी ने मार दिया क्या, वो मेरी आंखों के सामने हुआ वो गाड़ी का, मतलब रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब यार सेफली ड्राइव करो, जरूरी नहीं है, धीरे चला लो गाड़ी को, थोड़ा लेट घर पहुंच जाओगे तो कुछ हो नहीं जाएगा, बट ऐसे कारनामे मत करो, जान है तो जान है, फैमिली भी है सबकी, तो प्लीज़ थोड़ा स्लो ही चलाया करो गाड़ी। वो देखने के बाद ना मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मैं इतना डर गई थी ना, मेरी आंखों के सामने हुआ जो हुआ, मतलब बस मैं इतना ही कहूंगी, सेफली ड्राइव करो और अपने घर जाओ अच्छे से, खुशी राजी खुशी रहो, लेकिन कभी भी ऐसे फास्ट मत, ये टार्जन बनाने की कोशिश मत करो,
शांति शांति से चलाया करो यार, सेफ रहो यार, फैमिली आप लोगों की भी सही पकड़े हैं। ये रहा पेट्रोल पंप, आई सी एन जी पेट्रोल पंप। हरिद्वार, जब भी मैं आती हूँ अंधेरा क्यों जाता है। ये रहा हरिद्वार। सुबह के बज रहे हैं 4:30-5 बजे आरती होनी है, हम बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे हैं। अब हम नहा के फटाफट आरती लेंगे, आरती के दर्शन करेंगे। और मैं तो चाहती ही थी, मैंने आरती बहुत नहीं देखी है, मतलब पहले देखी थी बहुत टाइम हो गया, लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं देखी। लेकिन मुझे ना, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा मुझे पानी से डर बहुत लगता है। पर हम आ गए अब। कोई सेंस है इस बात की? मेरी फैमिली हो रही पीछे पीछे आ रही है। फैमिली क्या है, मम्मी पापा नहीं है, मतलब हम भाई बहन लोग ही आए हैं सारे। ये रहो, ये देख लो, हर महादेव कितनी भीड़ हो रही है। और अभी यही हल्की पौड़ी से हम जा रहे हैं, क्योंकि आरती का टाइम होने वाला, तो वहाँ पे जा रहे हैं और वहीं पे जाएंगे, वहीं बैठेंगे और वहीं पे नहाएंगे। और पानी का फ्लो, मुझे पानी के डर तो बहुत लगता है। हर हर महादेव। ओह माय गॉड, वो भैया कूद गए, मुझे तो तैरना भी नहीं आता। ये भैया कूद रहे हैं, ये जंप कर दिया भैया ने। हवा बहुत अच्छी चल रही है और पानी का बहाव आपने देखा ही होगा कितनी तेज है भाई। ये लोगों का एक्सपीरियंस है, ये लोग तैरते रहते हैं, हम जैसे तो डूब जाएंगे और जिनको नहीं आता वो तो मर जाएंगे। तो गाइस देखते रहना, बने रहो, देखो यार कितना अच्छा लग रहा है। आप भी आओ, अब जल्दी आओ, आप भी नहाओ यार, देखो हरिद्वार आओ यार, बहुत सुंदर जगह है, बहुत। गाइज हम नहा चुके हैं और अभी बहुत तेज बारिश हो गई थी बीच में, इसलिए मैंने आरती नहीं दिखाई। और अभी हम चाय पी रहे हैं, बहुत ठंड लग रही है, बहुत तेज हवा चल रही है और मेरे तो जुकाम भी हो गया। और पानी तो ना ठंडा था और पानी का बहाव जो था वो बहुत तेज हो गया था, क्योंकि बारिश आ गई थी और पानी भर भी गया था। और अभी हम नहा धो के अब आ गए हैं चाय पी के, गाड़ी में बैठेंगे और हम जाएंगे, शायद हम खा पी के कुछ ऋषिकेश जाएंगे। तो आगे बना रहना, मैं अपनी चाय पी लूँ फटाफट, बहुत सर्दी हो रही है। Oh, my God.